गुरु घासीदास सेवा समिति भिलाई के नए कार्यकारिणी के गठन के लिए चुनाव प्रक्रिया सतनाम भवन शिखर 6 में रविवार को संपन्न कराई गई। सतनामी समाज का गौरव माने जाने वाले भिलाई के गुरु घासीदास सेवा समिति के नई कार्यकारिणी के गठन के लिए चुनाव प्रक्रिया रविवार को सतनाम भवन सेक्टर 6 में संपन्न हुई। यहां विभिन्न पदों के लिए पदाधिकारियों ने अपने अपने प्रचार के लिए भवन के बाहर टेंट लगाकर व्यवस्थाएं बनाई थी। इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए बाकायदा चुनाव अधिकारी की उपस्थिति भी लगातार बनी रही एवं दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से व्यवस्थाएं यहां पर बनाई गई थी। गुरु घासीदास सेवा समिति के पूर्व पदाधिकारी द्वारका प्रसाद चंद्रवर्षी ने चुनाव प्रक्रिया की जानकारी मीडिया को दी, साथ ही चुनाव की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रशासनिक सुरक्षा प्रदान के परिप्रेक्ष्य में भिलाई नगर थाना प्रभारी ने सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी दी। देखिए, प्रत्याशियों का तो एक ही उद्देश्य है कि समाज सेवा करना। समाज में अगर चुन के आता है तो हर एक प्रत्याशी का यही उद्देश्य है कि हम समाज को नेतृत्व करें, समाज को आगे बढ़ाए और समाज का सेवा कर सकें। और चुनाव हमारे यहाँ बहुत शांतिपूर्ण, बहुत सौहार्दपूर्ण हो रहा है, इसमें कोई दोमत की बात नहीं। देखिए, ये तो जनता बताएगा किसको वापस देखना है, किसको वापस नहीं देखना है, लेकिन निसंदेह पुरानी समिति भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सतनामी समाज का जहाँ जहाँ भी समिति बनता है, निसंदेह समाज के लोग अच्छे लोगों को ही चुनकर भेजते हैं। आज पूज्य गुरु घासीदास सेवा समिति सतनाम भवन सेक्टर 6 में समाज के लोगों का चुनाव चल रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए, ऐसे तो सामाजिक कार्यक्रम है, इस प्रकार के विघ्न और उद्दंडता का कोई प्रश्न नहीं है, फिर भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए और समाज का कार्यक्रम है ऐसा दृष्टिगत रखते हुए एक थानेदार और 3 हवलदार और 2 सिपाहियों की व्यवस्था परमानेंट रूप से लगाई गई है, ताकि निर्विघ्न रूप से शांतिपूर्ण चुनाव सम्पन्न हो सके। समाज कोई भी हो, उनके पहरेदार हमेशा समाज को विकास की तरफ ले जाने का कार्य करते हैं, जिससे समाज का सम्मान विश्व पटल पर लगातार बढ़ता ही जाता है और वक्त वक्त पर जिम्मेदारियां परिवर्तित भी होती है, जिसके लिए इस तरह के चुनाव की प्रक्रिया अपनाई जाती है। गुरु घासीदास सेवा समिति के पूर्व पदाधिकारियों ने भी अपने बेहतरीन कार्य का प्रदर्शन यहां किया। देखना होगा इस वर्ष होने वाले चुनाव में पुराने कार्यकारिणी से कितने सदस्य दोबारा अपनी जगह सुनिश्चित कर पाते हैं और कितने नए पदाधिकारियों को जिम्मेदारियाँ सौंपी जाती है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।